हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू chapati.com। आज हम बनाने वाले हैं सोया चाप करी की रेसिपी। ये एक मेरी फ्रेंड की डिमांड थी और सोया चाप हेल्दी भी बहुत होती है। और आपको भी कोई रेसिपी चाहिए हो जो मैं अपने शो में बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना, वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने सारे खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, चक्रफूल, हरी मिर्च, लौंग और इलायची, उन्हें थोड़ा भुनने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो सेकेंड इसे सॉटे करके इसमें हम अपनी अनियन जो हमने पहले से ग्राउंड करके रखी हुई थी वो डालेंगे। इसे सॉटे करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। और ग्रीन चिलीज, जितनी क्वांटिटी में हमने अनियन ली थी उसकी आधी क्वांटिटी में हमने टमाटर डाले। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे ऊपर से ढककर 10 मिनट पकाएंगे, जब तक कि हमारा सारा ऑयल उभर नहीं जाए। देखिए हमारी पकी है ग्रेवी। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद लगभग 1 मिनट पकाना है। फिर हम इसमें 200 ml वाटर यानी पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ी ग्रेवी लाइट हो जाए। फिर हम इसमें अपने चाप के पीसेस ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करके 5 मिनट और पकाएंगे। अब हमारी सोया चाप रेडी है। हम इस पे हरे धनिया की पत्तियाँ डाल के गार्निश करेंगे। हमारी सोया चाप करी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसे चपाती या राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे थम्स अप का बटन हिट करना। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई आपके लिए रेसिपी बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करना। Thank you friends for watching my video.